एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्क्रीट मैथ्स 9.6 पार्शियल ऑर्डर का टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं फर्स्ट सेशन पे हमने पार्शियल ऑर्डर को जाना बेसिक डेफिनेशन और किसी रिलेशन को हम कब पार्शियल ऑर्डर कहते हैं और उसमें किस तरह की चीज़ें चेक की जाती हैं वो सारी चीजें जानिए इस सेशन पे नाइन यानी पार्सल ऑर्डर के फर्दर कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे फर्दर टॉपिक्स को और नाइन में कुछ जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं यही वजह है कि मैं उन्हें पार्शली ब्रेक कर मल्टीपल टॉपिक्स पर डिवाइड कर रहा हूँ ताकि उसको अंडरस्टैंड करना विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम्पल हमारे लिए आसान हो जो तो सेशन का स्टार्ट हम मीनिंग ऑफ पार्शल इन पार्शल ऑर्डरिंग से करेंगे जिसमें हम कम्पेरेबल इन कम्पेरेबल एंड फर्दर कॉन्सेप्ट को विद विध जानेंगे तो इससे रिलेटेड तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है फादुरसैन सी एस से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहुंचेंगे इसके प्ले पर आओगे जहाँ डिफरेंट डिस्प्लेन्स की वीडियोज़ मौजूद हैं विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल बिटवी प्रेजेंटेशन स्लाइड कोड ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फादुसैैन सी सी पर अवेलेबल हैं तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यहाँ से यूज़ किया जा सकता है तो चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको और वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आसानी के साथ सीख सकें तो रॉयजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं नाइन पॉइंट सिक्स पार्शल ऑर्डर का था जो बेसिक चीज हम जान चुके हैं तो सबसे पहले हमें समझना है कि वट अबाउट द मीनिंग ऑफ पार्शल इन पार्शल ऑर्डरिंग द वर्ड पार्शल इन पार्शल ऑर्डरिंग इंडिकेट्स दैट नॉट एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कम्पेरेबल वट डज इट मीन यानी जब मैं पार्शल ऑर्डर की बात करता हूँ तो उसमें पार्शल जो वर्ड है वो इंडिकेट ये कर रहा है कि नॉट एवरी पेयर ऑफ द एलिमेंट इन अट इज कम्पेरेबल ठीक है वट डज इट मीन इसका मतलब ये है कि जब हम पार्शल ऑर्डर की बात करते हो तो जरूरी है कि सारे एलिमेंट जो पेयर के फॉर्म पे हैं वो कम्पेरेबल होंगे लेकिन एक्चुअली कंपेरेबल या फिर नेक्स्ट वर्ड जो इनकम्पेयरेबल का होगा वो है क्या सो द फर्स्ट वर्ड हेयर कंपेरेबल द एलिमेंट ए एंड बी

नेक्स्ट वन इज इनकम्पेरेबल कब कहूंगा कि मैं हमारे पास जो पोस्ट सेट है रिलेशन uh, वो इनकम्पेरेबल है are, either, sorry, B B Yarni, ना तो ए बी से रिलेट कर रहा हो और ना ही बी ए से रिलेट कर रहा हो यानी जब कंपेरिजन दोनों की नहीं हो सकेगी तो हम उसे इनकम्पेरेबल कहेंगे द नेक्स्ट पॉइंट इज वी कैन से Relation, और वी कैन यूज एस रिलेशन इसे वैल्यू ऑफ द रिलेशन इट्स बिलोंग्स टू द रिलेशन ठीक है e, B, relation, relation, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएगा कि कंपेरेबल और इनकम का कॉन्सेप्ट मीनिंग ऑफ दार्शल इन पार्शल ऑर्डर में क्या है फॉर एग्जाम्पल uh, हमें एक पोस्टर दिया गया है जिसमें uh, पावर ऑफ द सेट वेरिएबल एस है जो कि नेक्स्ट एलिमेंट के साथ जो है वो सबसेट uh, के फॉर्म पर होगा यानी पोस्ट सेट यहां पर दिया गया है कि हमारे पास पावर ऑफ एस सेट होगा जो कि फॉर्म uh, कर रहा है सब सेट ऑफ द एलिमेंट वेयर द एस इज इक्वल टू वन टू थ्री तो वन टू थ्री के रिस्पेक्ट अगर मैं इसके डिफरेंट uh, या एन नंबर्स ऑफ ये मालूम करना चाहूँ कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं दैट इज इक्वल टू 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 पावर एन एन है नंबर ऑफ द एलिमेंट तो यहां पर थ्री है इसका मतलब है ईड इसके सबसेट बन सकते हैं इंक्लूडिंग फाइव लेकिन हमें सिर्फ ये बताना है कि इनकम्पेरेबल और कंपेरेबल का सेंटेक्स क्या होगा अगर मैं एक सबसेट बनाता हूँ टू का ठीक है ऐसी बात है जब सबसेट बनाया जाएगा तो फाइव वन टू थ्री वन टू टू थ्री वन टू थ्री इस तरह के एलिमेंट्स बन रहे होंगे तो अगर मैं कहता हूँ कि वन टू इज नॉट अ सबसेट ऑफ टू बिल्कुल ठीक है क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूं कि टू हमारा एक सबसेट है Uh, या फिर सिंपल सेट है तो टू का वन कॉमा थ्री सबसेट नहीं हो सकता नॉट के साथ है इसी तरह टू इज नॉट अ सबसेट ऑफ वन थ्री यानी टू जो है वो वन थ्री में मौजूद नहीं है देर फोर वी कैन से दैट सेन थ्री बिटवीन पेर्ड वैल्यू ऑफ वन थ्री एंड ओनली टू आर इनकम्पेरेबल यानी इन चीजों को कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सबसेट मैच नहीं हो रहे हैं ऑन द अदर हैंड वन इज अ सबसेट ऑफ वन थ्री क्योंकि ये वन इसमें मौजूद है जिसका मतलब ये कहूंगा कि ये जो वन है और वन कॉमा थ्री है इन अ फॉर्म ऑफ द पेयर इस कम्पेयर एबल एलिमेंट्स ठीक है ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग विद एग्जाम्पल हो गई एक और एग्जाम्पल बुक से देखते हैं इन अ पोस्ट से पॉजिटिव इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू द डिवीजन अलगोर्थम यानी पॉजिटिव इंटीजर को हम डिवीजन के रिस्पेक्ट से रिलेशन वाइज चेक कर रहे हैं कि इधर द गि रिलेशन इज पोस्ट सेट और नॉट और हम जानते हैं कि पोस्ट सेट चेक करने के लिए फ्रॉम द प्रीवियस सेशन हम देख चुके हैं कि हम तीन प्रॉपर्टी देख रहे होते हैं रिफ्लेक्सिवेट्रिक एंड ट्रांटिव कम टू दॉक क्वेश्चन अगेन ट आर द इंटीजियर थ्री एंड नाइन इज कमेरेबल आर फाइव एंड सेवन कंपेरेबल और हमें ये बताना है कि पहले तो ये दिया गया है कि सेट ऑफ द दियर स्पेसिफिक थ्री और नाइन जो है वो कम्पेरेबल है लेकिन क्या फाइव और सेवन कंपेरेबल होगा विद रिस्पेक्ट टू डिजनल गौतम तो so, हमें क्या करना होगा हमें कंसीडर करना होगा ये ए है और ये बी है तो so, मैंने ए बी के रिस्पेक्ट से डिविजनल गौतम को लिखा तो वो इस तरह से लिखा आएगा इसका मतलब ये हुआ कि थ्री को क्या नाइन से डिवाइड किया जा सकता है जी थ्री थ्री एर नाइन लेकिन अगर मैं फाइव सेवन को ए बी रिस्पेक्ट से लिखू या बी ई e के रिस्पेक्ट से लिखूँ क्योंकि ये दोनों चीजें देख सकते हैं ना इनकम्पेरेबल में डेफिनेशन uh, में यही बताया गया कि ना ही ए बी से रिलेट करेगा ना बी ए से रिलेट करेगा इनकम्पेरेबल में तो अगर मैं फाइव सेवन को ए बी कह रहा हूं तो अगर मैं ए बी के रिस्पेक्ट से देखूं तो भी नहीं हो रहा है और बी ए के रिस्पेक्ट से देखू तो ये दोनों डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइव एंड सेवन इज इनकम्पेरेबल नॉट कंपेरेबल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द नेक्स्ट वर्ड इज एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द स्पीच

इन अ सेट आर द कंपेरेबल अगर वो कंपेरेबल हैं सो दैट रिलेशन इज कॉल्ड टोटल ऑर्डरिंग उस रिलेशन को हम टोटल ऑर्डरिंग कहते हैं अब हमें समझना होगा कि एक्चुअली द वर्ड टोटल ऑर्डरिंग क्या है ठीक है अभी तक हमने ये देखा कि मीनिंग ऑफ पार्शल इन पार्शल ऑर्डरिंग में कंपेरेबल इन कम्पेरेबल क्या है और विद एग्जाम्पल उसको अंडरस्टैंड किया नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टोटल ऑर्डरिंग का है अब हमें समझना है कि टोटल ऑर्डरिंग क्या है द फर्स्ट थिंग द डेफिनेशन सेड से पोस्ट सेट सेट एस विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशन पोस्ट सेट एंड एवरी टू एलिमेंट ऑफ एस आर कम्पेरेबल यानी अगर हमारे पास एक पोस्ट सेट है एस विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशन और उसके हर जो टू एलिमेंट हैं वो comparable है. Comparable क्या है वो हम देख चुके हैं सो वी कैन सेट तो उस सेट को मैं टोटली ऑर्डर सेट कह सकता हूँ सो द रिलेशन दिसल ऑर्डर और इस रिलेशन को जो यहाँ पर आर्ट्स रिप्रेजेंट हो रहा होगा इसे मैं कहूंगा टोटल ऑर्डर और उस सेट को मैं टोटल ऑर्डर सेट कहूंगा

टाइप ऑफ द रिलेशन है जिसमें प्यर्ड वैल्यू सेम सेंटेक्स का या सेम नंबर का होता है जिस तरह हम ए कॉमा ए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने इक्वल हटा दिया है तो वैल्यू सेम नहीं हो सकती अलग अलग होगी तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकतीन सजेस्टर की द गि पोज सेट इज नॉट अ पोज सेट इज ऑन द डेफिनेशन तो दो मजीद कौन सेने टोटल ऑर्डर सेट क्या है और टोटल ऑर्डर क्या चीज है विद एक्सम्पल अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वेल ऑर्डरिंग वेल well ऑर्डरिंग क्या है फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ सेट एस कॉमा आर इज अ वेल ऑर्डर सेट उस सेट को हम वेल ऑर्डर सेट कहेंगे कब अगर इट इज अ पोस्ट फर्स्ट कंडीशन में कि वो और होने के लिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और पॉजिटिव होना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट पे सच दैट द रिलेशन इज अ टोटल ऑर्डरिंग जो रिलेशन हमारा आर बन रहा होगा वो टोटल ऑर्डरिंग होना चाहिए और अभी हमने देखा कि टोटिंग ऑर्डर क्या है कि जिसके एवरी टू एलिमेंट जो है है वो comparable तो ये concept भी में होना चाहिए ठीक क्या मतलब हुआ कि जितने भी नॉन एम टी सबसेट बन रहे होंगे मेजरली एस सेट से वो सेट के अंदर कम से कम लीस्ट एलिमेंट कंटेन होते होंगे कम से कम कोई ना एलिमेंट्स उसमें हो क्या मतलब है इसका एग्जाम्पल से समझते हैं नेचुरल नंबर अलोंग With less than equal to, which means here is a natural number post set, and the relation is less than equal to. The natural number is a start from one to onward, or less than equal to is a inequality sign. So, is a well ordered set since any non-empty subset of N has a least element, and less than equal to is a total ordering of N. However, Z is less than equal to not a well ordered set. तो ये वेल ऑर्डर सेट तो नहीं हो सकता लेकिन ये टोटल ऑर्डरिंग सेट जरूर होगा क्योंकि यहां पर साइन जो है वो इक्वल का है और इक्वल के बिहाफ पर हमें एक लीस्ट एलिमेंट अपने और वेल well ऑर्डरिंग यहां पर आ, क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि वेल ऑर्डर सेट्स की डेफिनेशन पे अभी हमने यहां पर देखा है अगर मैं वेल well ऑर्डर की बात करूं दोबारा से okay. तो उसमें वही तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो अभी हमने डेफिनेशन पे देखा है ठीक है तो ये तीन प्रॉपर्टीज में फुलफिल नहीं हो रही कैसे वाई जेड इज नॉट अ सबसेट ऑफ जेड बट डेव लीस्ट एलिमेंट In other words, it is it totally ordered? N yes, it is a totally ordered. So based on this condition, we can say that the given post set is not a well ordered set. Okay, uh, there are the some principle of the well-ordered uh, induction or the proof you can say to points par, um, proof, karne ki ke well ordering ka kaam, uh with respect to the this three points or the three rules or

इन तीनों स्टेप्स को जब हम एंड ऑपरेशन के साथ ज्वाइन करते हैं तो हमें एक प्रेडिकेट सॉरी क्वांटिफायर फॉर्म पर स्टेटमेंट मिलती है ऑल वैल्यू ऑफ एक्स दैट्स बिलोंग्स टू एक्स वेयर पी ऑफ एक्स यानी तमाम जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो हमारे सेट से बिलोंग करेगी और इसी के बेस पर हमने एक प्रेडिकेट पी ऑफ एक्स यहां पर चूज किया है तो सपोज दैट इट इज नॉट द केस दैट पी ऑफ एक्स होल्ड ऑल एक्स दैट बिलोंग्स टू एस यानी हम सपोज कर रहे हैं फर्स्ट पे कॉन्ट्रापोजिटिव मैनर पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको हम नेगेटिव वे पे लेके चलते हैं तो हमने पहले ये केस एज्यूम किया है कि पी ऑफ एक्स की कोई वैल्यूज जो है वो एक्स के साथ बिलोंग नहीं कर रही तो इस बेस पर हम क्वॉन्टीफायर पे कह सकते हैं कि देयर इज सच अ वैल्यू ऑफ वाई पी ऑफ वाई इज फॉल्स यानी कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिस पे एफ ऑफ आई की वैल्यू फॉल्स आ रही है जबकि हमने यहाँ पर अभी प्रूव किया है सेकंड पे कि पी ऑफ वाई भी ट्रू होगी जब पी ऑफ एक्स ट्रू होगा तो अभी हम इसको कॉन्ट्रापोजिटिव वाइज लेकर चल रहे हैं The next step, A equal to X belongs to S, which means A is just X belongs to S, ke such that P of X is false, Is not empty. We P of X ko false, considered So S is a well-ordered and A has a least element A. Since P of X is true and P of A is false, where A is not equal to X naught, so P of X hold all the X that belongs to S and X relate to A, then P of A hold the indication steps. So that's will the contradictions और द्रोडिक्टैट द वैल ऑर्डर इन फॉर्म ऑफ दर्किंग हाउ दे प्रूव द राइट वैल्यूज विध रिस्पेक्ट टू द ऑल वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एक्स ऑल बिलोंग्स टू द सेट वैल्यू ऑफ एस होप यू वल अंडरस्टैंड तो इस सेशन पर हमने देखा थोड़ा सा जरूर ये कॉन्सेप्शनल uh, स्टेप्स है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बुक को भी यहाँ से रीड करें लेकिन इंपॉर्टेंटली हमने देख लिया कि कम्पेरेबल और इनकम्पेरेबल का कॉन्सेप्ट क्या है पार्सल ऑर्डर के अंदर टोटल ऑर्डरिंग क्या है और उसके बाद हमने टोटल ऑर्डर सेट को देखने के साथ साथ वेल ऑर्डर्ड सेट्स को भी हमने अंडरस्टैंड किया और उसकी एग्जाम्पल को भी अंडरस्टैंड किया तो वो वही सारी चीज़ें क्लियर होंगी नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग देखेंगे और उसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे कि किस तरह से ये पार्सल ऑर्डर को फॉलो करते हुए हमारे ग्राफ को डायरेक्टेड ग्राफ को सिम्पल स्ट्रॉप के ग्राफ में कन्वर्ट कर रहा होता है तो इसी तरह से जुड़े रहें नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं तो इस चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आप वीडियो जरूर लाइक करें ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइबर की ज़रूरत है ताकि इसी तरह से मोटिवेट रहते हुए इन पर काम कर सकूँ